हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको दो ओल्ड कुर्ती से दो DIY बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी ओल्ड कुर्तियाँ होती हैं जो कि पूरी तरह से घिस जाती हैं, और कई ऐसी होती हैं जिनके कलर हमें पसंद नहीं है तो हम उनको नहीं पहनते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक कुर्ती है जिसमें से 17 इंच नीचे की तरफ से मार्क लगा के मैंने इसको कटिंग कर लिया है। इसमें हटा रही हूँ। अब इस ऊपर वाले पीस से हम एक DIY बनाएंगे जो कि बहुत ही यूज़फुल है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं या किसी और बैंक वगैरह जाते हैं, तो आते समय हमें जो है फल फ्रूट खरीदने होते हैं या कुछ भी खरीदना होता है, तो हम एक छोटा सा बैग जो है अपने पर्स में रख सकते हैं, जिससे कि मार्केट से लाते समय हम जो भी सामान है उसके अंदर ला सकें। तो आज मैं इसी तरीके का एक आपको ये छोटा सा बैग बनाना सिखाऊंगी जो फोल्ड भी हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये दो पीसेस कटिंग कर लिए हैं और इनको ऊपर से यहाँ पे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद देखिए, हम इन दोनों पीसेस को अलग रख देंगे और हैंडल बनाएंगे। तो देखिए, दोनों पीसेस को साइड में रख दिया है और स्लीव वाले हिस्से को हम ले लेंगे अब, और इसे अच्छे से यूँ बिछाना है। जो ये बॉर्डर है इसे मैं अलग निकाल रही हूँ, और यहाँ से हम स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे 5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, सीधी लाइन लगा के इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 17 इंच लेंथ का और 5 इंच चौड़ाई है। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। दूसरे को भी इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। दोनों के दोनों हैंडल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो स्टिचिंग वाला एरिया है वहाँ पर मार्क लगाएंगे। 5 इंच जो है किनारे से मार्क लगा लेंगे, और इसी तरीके से किनारे से 5 इंच पर मार्क लगा लेंगे, और इस हैंडल को यहाँ पे रखेंगे रॉन्ग साइड पे, और चकोर यहाँ मार्क लगा सॉरी स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने हैंडल को रखना है, दूसरा हैंडल यहाँ रखना है और चकोर स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, हमारे हैंडल स्टिच हो गए हैं। अब इसके बाद कोई भी स्क्वायर पीस हम लेंगे 8x8 इंच का। मेरे पास ये पिंक कलर का रखा हुआ था तो यही मैं ले रही हूँ, 8x8 इंच का ये। ठीक है, इसको हम यूं फोल्ड करेंगे और इसको कट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर मैंने ये दो पीसेस ले लिए हैं, जिसका ये किनारा और ये किनारा मैं फोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी। एकदम किनारे की सिलाई लगा के फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस पीस को हम राइट साइड पे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और दूसरे पीस को यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे ऐसे करके। तो दोनों पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया है। इस तरीके से रख के हमें स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड पे। अब इन दोनों पीसेस को भी हम आपस में यूँ रखेंगे और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तीनों साइड पर स्टिच करने के बाद हम इसे राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको ये दिखाई देगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसे तैयार कर लिया। अब हमने एक डोरी ले ली है जो कि आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। तो इस डोरी को हम हेयर पिन की हेल्प से या सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ डाल लेंगे इस तरीके से। और देखिए, ये हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। कभी भी आपको मार्केट जाना हो तो आप इस तरीके से इस बैग को ये देखिए फोल्ड करके ले जा सकती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस से या कहीं से भी घर आ रहे होते हैं तो हम अपने बैग में इसे हमेशा के लिए रख सकते हैं, जिससे कि कभी भी हमें कुछ सामान मार्केट से लिया और हमें मतलब बैग की ज़रूरत है तो हम इस बैग को खोल के इसमें सामान रख सकते हैं।
तो बहुत ही इजी है इसे बनाना। और छोटा सा ये हो जाता है, जिससे कि आप इसे आपके जो बैग है, ऑफिस बैग है, उसके किसी भी कोने में रख सकते हैं। कभी भी आप फल फ्रूट कुछ भी मार्केट से लेके आते हैं सामान, तो उसे इसमें रख के घर पे ला सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये फोल्ड होके बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। तो सेकंड हमारे पास ये वाली कुर्ती है, जो कि काफ़ी घिस चुकी है और फेड हो चुकी है। तो इसका भी हम जो ये चाक है और बॉटम है, इसको खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेते हैं और इसके चाक और जो बॉटम है इसको खोल लेंगे। तो ये करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कमर से स्ट्रेट करने के लिए मैंने इसके चाक जो है थोड़े से कटिंग कर लिए हैं ऐसे, और बॉटम भी मैंने सीधी कर ली है। तो यहाँ से हम इसको पहले अच्छे से बिछा लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के लिए हमने यहाँ से ऊपर की साइड, बॉटम से ऊपर की साइड मार्क लगा लेना है और एक सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद इसको देखिए, हमें यूं फोल्ड करना है। इसका किनारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा था, इसे हम काट लेंगे। ये भी एक फोल्ड और कर लेंगे। अब देखिए, ये जो ओपन कॉर्नर है, यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे 3.5 बाय 3.5 इंच का, 3.5 बाय 3.5 इंच का हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे करके और इसे यूं ओपन कर लेंगे, एक पीस अलग कर लेंगे। और देखिए, ये जो 21 इंच वाली हिस्सा है, यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर हम एक जिप लेंगे और इस जिप को दोनों पल्लों के साथ स्टिच लगा देंगे। 21 इंच की ये जिप है, तो इसे स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने स्टिच कर लिया है, साथ के साथ बैठी हुई स्टिच यानी किनारे की स्टिच भी लगा ली है। अब दूसरा हिस्सा हम लेंगे और बिल्कुल बराबर रखकर चारों तरफ से हमें स्टिच लगा लेना है, कॉर्नर छोड़ देने हैं। तो देखिए, अब हम कॉर्नर पे भी स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पकड़ना है और कॉर्नर पे स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमने स्टिच लगा लिया। तो चारों तरफ से स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। चारों तरफ से कॉर्नर पर हमने स्टिच लगा लिया है, चारों कॉर्नर पे। और अब हम इसे राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखिए, इस पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं, तो इतने सारे कपड़े इसके अंदर आ गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इस पर आप साड़ियाँ, आपके कोई भी कपड़े जो है रख सकते हैं, जैसे कि आपकी अलमीरा जो है एकदम ऑर्गेनाइज रहेगी। तो आज हमने ओल्ड कुर्ती से 2 DIY बनाना सीखे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके की DIY वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए दोस्तों, हमारा फोल्डेबल ग्रॉसरी बैग बनके तैयार हो गया है। इसे आप कहीं भी ले जाना चाहें, तो इस तरीके से आप इसको ओपन करके इसके अंदर बहुत सारा सामान जो है वो रख सकते हैं। और जब आपको यूज़ नहीं करना है, तब आप इसको यूँ फोल्ड करिए ऐसे, और इसके अंदर डाल दीजिए ऐसे करके।